सखियों ने देखा आज रास राजेश्वरी राधा रानी अपनी जिंदगी में प्रथम बार ऐसी उदास है। कारण क्या है, किस लिए उदास है? तो जब श्री जी से पूछा तो श्री जी ने ललिता सखी से कही, अरे सखी आज कन्हैया रूठ गए। समस्त सखियों ने आकर मनाया, फिर भी श्री कृष्ण नहीं माने। श्री कृष्ण के सखा मधुमंगल शुवल इत्यादि सखा जब आकर मनाए तो भी नहीं माने। फिर एकाएक ध्यान यमुना जी के प्रति हुई और यमुना जी के प्रेम ने मानो यमुना जी से जब रास राजेश्वरी राधा रानी ने प्रार्थना की तो यमुना जी स्वयं प्रकट होकर सम्मिलित हुई और यमुना जी ने कही, श्री जी बताओ क्या आदेश? बोले अब आप ही कन्हैया को मना सकते। और यमुना जी ज्यों ही मनाने के लिए गई, महाराज उस प्रेम में ऐसे बांध लिया था कंगना मानो यमुना जी आज भी कंगनाकार है। जैसे हम लोग कंगन चूड़ी के साथ भी बहुत माताएं पहनती है, उसी प्रकार वृंदावन का प्रेम स्वरूप यो यमुना जी है, वो इसलिए कंगनाकार नहीं है जो उनकी शोभा है। स्वयं श्री कृष्ण और रास राजेश्वरी राधा रानी की सेवा के लिए उस प्रेम में ऐसी बंध गई है, ऐसी बंध गई है जो कंगनाकार होकर सदा श्री राधा कृष्ण को कंगन जैसे माता लोग ऐसी कंगन पहन लेती है जो बात भी किसी से करे तो नहीं निकल सकती है, जब प्रयास करेगी तभी। उसी प्रकार यमुना जी कभी श्री कृष्ण और राधा रानी का दोनों रूठे नहीं तो स्वयं उसमें प्रेम प्रागट करने के लिए साक्षात यमुना जी कंगनाकार हो गई। कि मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ।
सुंदर उपदेश दिया और श्री कृष्ण प्रेम प्रकट करवा दिए, यानी राशि राधा रानी की सेवा श्री रास राशस्वरी राधा रानी के कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं।